हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बायोलॉजी। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19। लेट अस सी अबाउट कोरोना वायरस स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दिस वीडियो। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की पहचान चीन के वुहान में 2019 में हुई थी। यह वायरस सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सर्च का कारण बनता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा है लंग्स को भी डैमेज करता है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोरोना वायरस में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने, सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये वायरस के अदर एलिमेंट का प्रोडक्शन भी करते हैं। आरएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं, जो वायरस को एक स्ट्रक्चर देते हैं और एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। वायरस का आउटर मेम्ब्रेन वायरल एनवलप कहलाता है। यह एक वैक्सिक बैरियर होता है, जो कि फैट मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ये वायरस को होस्ट सेल से बाहर प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इन पे प्रेजेंट स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वायरस के एनवलप पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसे एनवलप प्रोटीन्स कहते हैं। जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो ये प्रोटीन न्यू वायरस पार्टिकल की असेंबली में हेल्प करते हैं। कोरोना वायरस की सरफेस पर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो वायरस को क्राउन लाइक अपीयरेंस देते हैं। इन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। इस स्पाइक प्रोटीन के कारण इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया, जिसका मतलब होता है क्राउन। ये प्रोजेक्शंस और स्पाइक प्रोटीन्स हुक की तरह काम करते हैं, जो वायरस को होस्ट सेल पर अटैच कराकर होस्ट की सेल को ओपन कर उन्हें इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता और छींकता है, तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 से 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। एक सलाइवा ड्रॉपलेट में 20 लाख कोरोना वायरसेस होते हैं। यह ड्रॉपलेट 300 किलोमीटर हॉर की स्पीड से 1 मीटर की दूरी तक जा सकती है और किसी भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देती है। कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में मल्टीपल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा हीम अग्लूटिनिन एस्टीरेज टाइमर प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और एनवेलप प्रोटीन्स। इसके अलावा एन प्रोटीन्स न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और हीम एग्लूटिनिन एस्टीरेज टाइमर प्रोटीन वायरस की ह्यूमन सेल में एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन की लंग सेल सर्फेसेस पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड होते हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड होते ही यह रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर चले जाते हैं, जिससे वायरस की ह्यूमन सेल में एंट्री हो जाती है। जैसे ही वायरस साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, ये अपने आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बना के रिलीज कर देता है और सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। इसी तरह वायरस ह्यूमन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का प्रोडक्शन कर लेते हैं। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल्स, गॉल्जी बॉडी इन वायरस पार्टिकल्स को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर कर देती है। क्योंकि ये वायरस पार्टिकल सेल को बस्ट करके बाहर निकलते हैं, इससे सेल डैमेज हो जाती है और बाहर निकल के ये अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। Today we discuss coronavirus structure and mechanism of action. If you want more video regarding coronavirus, comment in description box. If you like this video, share with your friends. Subscribe our channel for more such video, especially based on CSIR NEET or GATE Life Science. Thank you and stay safe.